जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं वो है इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक दल। इनका आज रेजिंग डे है। आज है 1 फरवरी, जिस दिन को भारतीय तटरक्षक दल अपना रेजिंग डे के तौर पे मनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय तटरक्षक दल की स्थापना क्यों हुई, फिर जो अभी की उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से है, उनके पास जो अलग अलग प्रकार के जो शिप्स है, एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल वगैरह, वो किस प्रकार से है, इनके साथ काम करने के लिए और कौन से सुरक्षा दल है जो काम करते हैं, उनके सामने जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस किस प्रकार की है, पिछले 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर या 2021 में उनकी किस प्रकार से कार्रवाई हुई, ये बहुत सारे मुद्दे हम कवर करेंगे। एक बार मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि जो मेरी आवाज है आपको सही तरीके से आ रही है। बस ये तो है ना। ओके ठीक है, मन शुरू जो था। हाँ सर, ओके, रुकावट के लिए माफ करिए, मुझे ये भरोसा नहीं था कि क्या मेरी आवाज आपके पास सही तरीके से पहुंच रही है। तो भारतीय तटरक्षक दल या इंडियन कोस्ट गार्ड के अलग अलग मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम देश की सुरक्षा की तरफ देखते हैं तो भारत की जो जमीनी सीमा है, लैंड बॉर्डर्स है, तकरीबन 16,500 किलोमीटर है। जब तक सवाल है सी बॉर्डर्स का या कोस्टल बॉर्डर्स का, वो तकरीबन 7,600 किलोमीटर है। और ये जो बॉर्डर्स है, हमारा जो मेनलैंड का किनारा है, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, वो तो है ही। इसके सिवाय हमारे पास 2 द्वीप समूह है। एक बे ऑफ बंगाल में जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और जो द्वीप समूह अरेबियन समुद्र के अंदर है वो है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। तो जब हम सागरी सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें ये सभी चीजें आ जाती है। अगर हम हमारे देश का सागरी सुरक्षा का इतिहास देखें तो आप ये देखेंगे कि 70s के अंदर हमारे देश की समुद्र सीमा के ऊपर बहुत स्मगलिंग शुरू हो गई, बहुत इलीगल ट्रेड शुरू हुआ। और उस समय हमारे पास मैरिटाइम सिक्योरिटी की एक ही एजेंसी थी, वो थी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी जो शिप्स थी वो कन्वेंशनल वॉर के लिए है, वो इस प्रकार की स्मगलिंग या इलीगल ट्रेड को रोक नहीं पाए। इसलिए गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया गया कि एक अलग एजेंसी तैयार की जाए जो इस काम को अच्छी तरह से कर सकती है। और अल्टीमेटली 1 फरवरी 1973 के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसकी स्थापना हुई। और उस दिन से ये तटरक्षक दल या कोस्ट गार्ड को तैयार हुआ। पहले इसमें जो जवान थे, ऑफिसर्स थे, ऑब्वियसली पहले ये इंडियन नेवी के होते थे, लेकिन जैसे ही समय आगे गया तो तटरक्षक दल ने अपने जो जवान खास तो तटरक्षक दल में ही भर्ती हुए हैं, उनको लेना शुरू किया, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसके बाद जो ऑफिसर्स और जो पहले नेतृत्व जो था वो जो पहले इंडियन नेवी के पास था वो अल्टीमेटली कोस्ट गार्ड के पास और आना शुरू हो गया। और अगर मेरी मेमोरी याद है तो पिछले जो दो डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये कोस्ट गार्ड के ही ऑफिसर्स है, यानी कि अभी जवान वगैरह जो सभी है ऑफिसर्स, ये सभी इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो हमारी जो सागरी सुरक्षा है या जो चैलेंजेस है वो हमारे सामने क्या है। पहले चैलेंज है इलीगल ट्रेड, दूसरा चैलेंज है स्मगलिंग, तीसरा चैलेंज है दहशतवादियों को आना, जैसे 26/11 के अंदर हुआ था, या स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन। आपको याद होगा कि 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मुंबई के अंदर, उसमें जो एक्सप्लोजिव्स यूज हो गए थे वो रायगढ़ की किनार पट्टी के ऊपर लैंड हो गए थे। और 26/11 का जो हमला है
जब 10 दहशतवादी मुंबई शहर में आए थे, वो तो एक बहुत ही अच्छा टेलीवाइज इवेंट था, तो इसके बारे में आपको सब पता है। इसके सिवाय हमारा जो एरिया है, खास तो जिसकी बॉर्डर, समुद्र की बॉर्डर जब जहाँ पाकिस्तान से मिलती है या बांग्लादेश से मिलती है या जो मिलती है माफ करिए श्रीलंका के साथ, तो वहां पे काफी पोचिंग भी होती है। गलती से कभी हमारे फिशरमैन उनके एरिया में चले जाते हैं, उनके फिशरमैन हमारे एरिया में आ जाते हैं, और हमेशा किसी भी समय 250-300 हमारे जो फिशरमैन है, ये हमारी जो पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड है या पाकिस्तान का जो मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, उनके उस देश के अंदर गिरफ्तार होते हैं, कि जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। इतना ही नहीं, तो जो हमारी आइलैंड टेरिटरीज है, खास तो अंडमान निकोबार आइलैंड, वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में पोचिंग होती है। पोचिंग का मतलब कि दूसरे देशों की नौकाएं हमारे समुद्र किनारे में आती है और उसके बाद वहां पे फिशिंग करती है या इलीगल एक्टिविटी करती है। ये तो अलग अलग प्रकार के जो चैलेंजेस है हमारे सामने वो है। इसके सिवाय अगर हम हमारे कोस्टलाइन के ऊपर देखें, तो हमारे कोस्टलाइन के ऊपर हमारे बड़े शहर है, जैसे कि मुंबई है, जैसे कि चेन्नई है, जैसे कि कलकत्ता है, वगैरह वगैरह। आज माना जाता है कि तकरीबन हमारी 15% जो पॉपुलेशन है ये समुद्र के साथ रहती है, यानी कि वो कोस्टल पॉपुलेशन है। मैं पहले कोस्ट गार्ड की इतिहास की बात कर रहा था। 73 में जब कोस्ट गार्ड की फॉर्मेशन हुई, तब 2-3 इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी थी। एक तो इलीगल ट्रेड स्मगलिंग तो चल ही रहा था, दूसरा यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी ये पास किया, जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि हमारी देश की साथ जो समुंदर था उसको, उसे टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर बांटा गया। टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब क्या है, हमारा जो समुंदर किनारा है वहां से 12 नॉटिकल माइल का जो समुंदर होता है वो टेरिटोरियल वाटर्स है, जिसके अंदर हमारे देश का कानून चलता है और कोई भी वहां पे आ नहीं सकता है। लेकिन हमारे किनार पट्टी से जो 200 नॉटिकल माइल का समुंदर है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि उस समुंदर में फिश मिले, वहां पे रेयर मिनरल्स मिले, वहां पे तेल मिले, वहां पे गैस मिले, तो वो हमारे देश का है, कोई और देश वहां पे आके उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। और उसके बाद 350 किलोमीटर तक समुद्र किनारे से है एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर भी हमारे काफी सारे हद है। तो अगर हमारी सागरी बाउंड्री के अंदर कोई आके इलीगल काम ना करे तो उसके ऊपर गार्ड करने की जरूरत है। तो ये सब काम अभी कोस्ट गार्ड को दिया गया हुआ है। जब हम इतिहास देखते हैं तो हमारा जो किनार पट्टी है, हमारा जो किनारा है, वहां पे 3 स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पे धोखा काफी ज्यादा है। एक तो जहां पर हमारी बाउंड्री मिलती है, हमारी बाउंड्री जहां पे मिलती है पाकिस्तान के साथ, वहां पे पाकिस्तान के जो मछुआरे हमारे इलाके में आते हैं, हमारे रन ऑफ कच्छ में आ जाते हैं, वहां पे खूनी नाला या सर क्रीक नाम का एरिया है वहां पे आते हैं, तो उनको रोकना पड़ता है। दूसरा, हमारे मछुआरे को जो पकड़ा जाता है उनको वापस लाना हमारा काम है। दूसरा, श्रीलंकन किनार पट्टी के पास एक पाक बे है। अगर आपको याद होगा कि जब LTTE नाम का दहशतवादी गट बहुत एक्टिव था, तो उस समय यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में स्मगलिंग वगैरह होती थी। इसके सिवाय जो किनार पट्टी जो है लगा हुआ बांग्लादेश के साथ, वहां से इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन ये होती है। वैसे देखी जाए तो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन ये जमीन से भी होती है, लेकिन समुद्र से भी, खास तो वेस्ट बंगाल के अंदर, ओडिशा के अंदर और आंध्र प्रदेश की किनार पट्टी के अंदर होती है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारी अलग अलग चैलेंजेस की जो हमारे सामने है। अभी इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसे फेस कैसे किया जाए,
हमारे दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान। वैसे देखा जाए तो हमारा जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छा है, हमें तीन साइड में समुंदर है, तो यानी कि कोई भी लड़ाई हो जाती है चाइना पाकिस्तान के साथ तो हमें हमारी कोस्ट लाइन को कोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट नहीं कर सकता। लेकिन हमारा जो लोकेशन इतना अच्छा है कि चाइना के जो ट्रेड रूट्स है वो पूरे हमारे पास से जाते हैं, तो चाइना को हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर रोक सकते हैं। ये एक चीज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। जब तक सवाल है हमारे ऑफशोर एसेट्स का, हमारे किनार, जब मैंने किनार पट्टी की बात की तो वहां और नॉटिकल मैंने बात की, टेरिटोरियल वाटर्स की मैंने बात की, एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की मैंने बात की, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की ये शुरुआत होती है लो टाइड मार्क से। किनार पट्टी मैंने बोला लेकिन किनार पट्टी में लो टाइड मार्क अलग होता है और हाई टाइड मार्क अलग होता है। तो हम ये 200 या बाकी 350 नॉटिकल माइल की बात करते हैं तो वो लो टाइड मार्क से है। तो अभी हमारा ये इतना बड़ा किनार पट्टी की प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, इसमें आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इस किनार पट्टी के ऊपर या कोस्ट के ऊपर और काफी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज है। तो इस सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा और उसके बाद हम हमारा ज्यादा ध्यान जो है वो कोस्ट गार्ड के ऊपर हम प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक तो इंडियन नेवी है लेकिन इंडियन नेवी का जो काम है वो 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो एरिया है उसके ऊपर ध्यान रखना, फिर उसके बाद कोस्ट गार्ड के ऊपर तो बात करेंगे। इसके सिवाय कोस्टल पुलिस है यानी कि सागरी पुलिस है, सागरी पुलिस का काम होता है किनार पट्टी से लेकर 20 नॉटिकल माइल तक पेट्रोलिंग करना और वहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसके ऊपर ध्यान रखना। तो यानी कि ये तीन स्तरीय एक प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, पहले पुलिस किनार पट्टी के साथ, उसके बाद कोस्ट गार्ड, उसके बाद नेवी। अभी जो पुलिस है उनके पास पेट्रोलिंग बोट है, नेवी के पास पेट्रोलिंग बोट है और इसके सिवाय जो हमारा कोस्ट गार्ड है उनके पास भी है। इसके सिवाय और काफी सारी एजेंसीज वहां पर है, एक तो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो खास तो दो जगह पे है, एक तो सर्किल एरिया जो रन ऑफ कच्छ में है और दूसरा भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जो एक त्रिभुज प्रदेश बनता है जिसे सुंदरबन बोला जाता है, वहां पे उनकी फ्लोटिंग बीओपी है। इसके सिवाय कस्टम्स है, कोई भी ट्रेड होता है किसी देश के साथ तो कस्टम के थ्रू जाता है। इसके बाद रेवेन्यू इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसके सिवाय जो बड़े बड़े बंदर है वहां पे CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसके सिवाय पोर्ट ट्रस्ट है, इसके सिवाय डीजी शिपिंग है, यानी बहुत सारी एजेंसीज है वहां पे जो काम करती है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, हर एक का इसमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए अगर कोई भी आपने आपकी सुरक्षा अच्छी करनी है तो जब सभी एजेंसी एक साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। अभी हो क्या रहा है, अभी थिएटर कमांड नाम की चीज भी तैयार हो रही है जिसके ऊपर जनरल रावत, बिपिन रावत काम कर रहे थे, जिसमें एक मैरिटाइम कमांड होने की होने का एक प्लान है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, काफी बार बताया गया था कि इसलिए कि बहुत सारी एजेंसीज हमारे पास है तो एक नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी एडवाइजर होना चाहिए जो अलग अलग एजेंसीज को कोऑर्डिनेट कर पाएगा, लेकिन अभी वो तो गवर्नमेंट ने मान्य नहीं किया है। उसकी जगह के ऊपर हम नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को, नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, वो या तो कोस्ट गार्ड का या नेवी का एक रिटायर्ड या सर्विंग वाइस एडमिरल के हुद्दे के अधिकारी होंगे। तो ये एक काफी सारी प्रगति हो गई है। हम आगे जाते हैं कि हमारे इलाके में हो क्या रहा है और अभी क्या और तरीके हमने और क्या करना चाहिए। पहले हम कोस्ट गार्ड के बारे में अभी हम ज्यादा फोकस करते हैं। कोस्ट गार्ड के पास तकरीबन स्ट्रेंथ उनकी 20,000 के आसपास है, उनके पास बहुत सारे शिप्स है जिसके अंदर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है, एडवांस ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स है, कुशन वेसल्स है, उनके पास मतलब अलग अलग प्रकार के उनके पास जो जहाजे है।
और इनका जो वजन है ये 2 या 2500 टन से लेकर 3500 तक है। उनकी रेंजेस 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इन शिप्स के ऊपर रडार लगा होता है जिससे वो जो समुद्र में जो शिप्स घूमते हैं उनको दूर से वो देख पाता है। उनके पास वहाँ पे हथियार होते हैं। 20-25 लोग इस शिप्स के ऊपर सवार होते हैं जिनके पास लाइट मशीन गन, इसके सिवाय राइफल और जो नॉर्मल हथियार किसी सोल्जर के पास होते हैं वो होते हैं। तो वो ये पेट्रोलिंग करते, तो ये इनकी जो ये शिप्स है अलग अलग प्रकार की है, जिसमें मैंने 2 शिप्स के नाम देने चाहिए। एक तो है पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स की, जो ऑब्वियसली पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए है, और दूसरा है जैसे बोलेंगे कुशन वेसल्स या होवरक्राफ्ट, जो जहाँ पे दलदल का एरिया होता है, जहाँ पे मार्शी एरिया होता है वहां पे काम करने के लिए। तो हमारे पास अभी जो इनके पास जो ये अलग अलग वेसल्स है ये काफी मॉडर्न है, काफी अच्छे है और अच्छी तरह से काम करते हैं। तो इनकी और ये सभी तकरीबन मोस्ट मॉडर्न है और आमतौर पे इन्हें लार्सन एंड टोब्रो यानी कि इंडियन शिपिंग कंपनीज ने बनाया हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। कोस्ट गार्ड के पास जो और दूसरे एसेट्स है वो है हवा में उड़ने वाले। वो क्या है, उनके पास अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट है, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, इसके सिवाय रोटर यानी कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह है जिससे वो समुद्र के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। तो शिप्स जब तक सवाल है एयरक्राफ्ट का, जब तक सवाल है हेलीकॉप्टर्स का, इनकी संख्या अच्छी होती है। तो ये रहे उनके पास एसेट्स। अब इनका काम क्या है, इनका काम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर जो हलचल हो रही है उसके ऊपर ध्यान रखना, सर्वेलेंस करना, पेट्रोलिंग करना। पेट्रोलिंग करते समय अगर कोई वो सस्पिशियस शिप को देखते हैं तो उसे रोक के उसको चेकिंग करना, स्मगलिंग को रोकना, इलीगल ट्रेड को रोकना, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है समुद्र के अंदर उसके ऊपर ध्यान देना। इसके सिवाय लाइफ सेविंग, अगर कोई फिशरमैन की बोट डूब जाती है तो उनको बचाना, अगर कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर होता है जैसे कि सुनामी हुआ था अंडमान के अंदर, अभी बहुत सारे बड़े हरिकेन्स हुए थे हमारे कोकण के कोस्टल एरिया के अंदर, तो इस समय जिसे बोलते हैं माफ करिए डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें मदद करना, ये उनके अलग अलग काम है। ये काम अच्छी तरह से होते हैं। और अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको उन्होंने अभी तक क्या क्या अच्छे काम किए हैं इसके बारे में पूरी जानकारी ये मिल जाएगी। तो इस पे उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, उन्होंने तकरीबन 250-300 फिशरमैन के लाइफ बचाए हुए है, जब समुद्र में कोई एक्सीडेंट हुआ है, जब किसी प्रकार का डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है तब मदद की हुई है, और 2-3 जो बड़े एक्ट उन्होंने किए हैं उसके बारे में बोलना जरूरी है। आपको याद होगा कि पिछले साल एक शिप जिसे हमने जो शायद श्रीलंका से आ रहा था, एक फिशिंग बोट थी जिसमें हमने तकरीबन 3 या 4 हजार करोड़ का नारकोटिक्स पकड़ा है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसे इंटेलिजेंस ये मिली थी हमारे एजेंसीज की तरफ। आपको पता है कि हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज है जिसके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिसके अंदर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसके अंदर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह वगैरह। तो इनकी मदद से ये ऑपरेशन किया, उन्होंने ये खबर दी थी और वो शिप को पकड़ा गया और काफी सारी संख्या में ड्रग्स पकड़े गए। इसके सिवाय उसी प्रकार का एक ऑपरेशन जो गुजरात के कोस्टलाइन के पास हुआ था जहां पर काफी सारी ड्रग्स फिर पकड़े गए। आज पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मन चाइना वगैरह काफी भारी संख्या में ड्रग्स को हमारे देश में भेज रहे। हमारे देश में समुद्र किनारे से केवल ड्रग्स ही नहीं आते, स्मगलिंग भी नहीं होता, इसके सिवाय फेक इंडियन करेंसी नोट्स यानी कि जो झूठे नोट्स है इंडियन करेंसी वाले, इसे भी लाया जाता है। तो इसे सबको रोकना है। इसके सिवाय एक और अच्छा ऑपरेशन कुछ महीने पहले की बात है, न्यू बॉम्बे के अंदर कंटेनर से कुछ ड्रग्स गोल्ड वगैरह लाया गया था, तो ऑब्वियसली इसे भी रोकना ये काम हमारा है। इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय
एक और बड़ी घटना हुई थी कि जो हमारा एक पोर्ट है गुजरात का, उस गुजरात पोर्ट के अंदर काफी बड़ी तादाद में नरकोटिक्स आया था। तो जब हम सागरी सुरक्षा की बात करते हैं तो इसे भी रोकना है, क्योंकि काफी बार कंटेनर्स जिससे ऑफिशियल ट्रेड होता है दूसरे देश के साथ, उससे भी ये धोखा हो सकता है। तो कोस्ट गार्ड, जब तक सवाल है इंटेलिजेंस का, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस के अंदर जो लीड इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है भारतीय तटरक्षक दल या इंडियन कोस्ट गार्ड। हर महीने एक कॉन्फ्रेंस होती है जहां पे इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे को मिलती है कोस्ट गार्ड के नीचे, और कोई भी जो खतरा हमारे देश को आने वाला है उसके ऊपर चर्चा की जाती है और उसे कैसे काउंटर करना है इसके ऊपर बातचीत होती है। तो ये लीड इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कोस्ट गार्ड है। इसके सिवाय आज हमारे जो स्टेट्स है, अगर आप हमारा भारत का नकाशा देखें तो हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स है जिसके अंदर गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल वगैरह, और मेरे ख्याल से 4 यूनियन टेरिटरीज है जिसमें दीव दमन है, जिसमें गोवा है, जिसके अंदर पुडुचेरी है वगैरह वगैरह। तो इनके कोस्ट गार्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रकार से है, हर स्टेट के लिए उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को एस्टेब्लिश किया है जो उस राज्य की सागरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे उनका पुलिस के साथ और बाकी एजेंसीज के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी तरह से हो जाता है। इसके सिवाय कोस्ट गार्ड ने समुद्र किनारे के ऊपर 40 से ज्यादा कोस्टल स्टेशन तैयार किए हैं जहां पे कोस्ट गार्ड तैनात है और जहां से वो अपने सागरी सुरक्षा के काम के लिए जाते हैं। कोस्ट गार्ड की काफी सारी एयर स्टेशन है जो दोनों किनारे के ऊपर फैली हुई है, जिनका काम है एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हमारे किनार पट्टी का अच्छी तरह से सर्वेलेंस करना। तो एसेट्स काफी है, लोकेशन अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहती है। और इसके सिवाय एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो 26/11 के बाद शुरू हो गई वो यह है कि हम रेगुलर ये सारी एजेंसी इकट्ठा आती है और हर 6 महीने के बाद एक एक्सरसाइज करती है जिसमें सभी एजेंसीज जो कोस्टल सिक्योरिटी में या मैरिटाइम सिक्योरिटी में इन्वॉल्व है, यानी कि नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, CISF वगैरह वगैरह, ये इकट्ठा आके 2-3 दिन सब जगह पे चेकिंग करते हैं, दहशतवादियों को रोकने के लिए मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी तक आजकल बहुत सारी एक्सरसाइजेस हुई है जिससे कोऑर्डिनेशन जो है ये काफी सारा अच्छा हो गया है। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें मतलब इससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है, एक दूसरे को आप अच्छी तरह से जानते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब तक सवाल रिजल्ट्स का है, अगर आप देखेंगे कि हमने जैसे बोला कि 3 स्तरीय हमारी कोस्टल सिक्योरिटी है, लेकिन अगर आप पुलिस के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो उन्होंने पिछले 1 साल में 2 साल में कितने लोगों को पकड़ा, कितना स्मगलिंग रोका, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि उन्होंने किसी को पकड़ा नहीं है। नेवी के भी वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको कुछ डिटेल्स मेंशन नजर नहीं आएंगे, सिर्फ कोस्ट गार्ड का ही साइट है जहां पे वो बताते हैं कि उन्होंने कितने लोगों को पकड़ा है, कितना स्मगलिंग को रोका है वगैरह वगैरह। तो आज ये जो स्मगलिंग जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसे रोकने की जरूरत है। मैं ज्यादा डिटेल में अंडमान निकोबार के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी जो चैलेंजेस है वो अलग है, वहां पे नेवी भी है, वहां पे कोस्ट गार्ड भी है, वहां पे इंडियन आर्मी भी है, वो एक बातचीत करने का अलग विषय कभी बाद में हो सकता है। लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड्स की तरफ हमने एक देखना चाहिए, जैसे स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने देखा था कि ये हमारे समुद्र के हमारे जो ईस्टर्न सी बोर्ड है वहां से 1200 नॉटिकल माइल के ऊपर एक समुद्र के अंदर किले की लाइन है, यानी कि सी फोर्ट्रेसेस की लाइन है जहां पर हम हमारी देश की रक्षा कर सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वहां पे पूरा है और वहां पे जो चार बड़े वहां पे 4 एयरपोर्ट्स है, एक है कैंपल बे में जो साउथ निकोबार में है, एक कार निकोबार के अंदर है,
एक पोर्ट ब्लेयर के अंदर है और एक दिगलीपुर में है। तो ये चार जो हमारे जो एयरपोर्ट्स है ये एक्चुअली एयर स्टेशन है जो एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर का काम करते हैं। तो इसके बारे में हम कभी अच्छे बात करेंगे, लेकिन ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। जब तक सवाल लक्षद्वीप और मिनिका आइलैंड का है, वो ऐसी जगह पे स्थित है जहां से दुनिया के जो ट्रेड रूट्स है वहां से जाते हैं, जिसे सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है या मैरिटाइम रूट बोले जाते हैं। तो इसके ऊपर हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बातचीत तो कभी बाद में ही करेंगे। लेकिन आज मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि कोस्ट गार्ड की स्थापना होने के बाद हमारी सागरी सुरक्षा में काफी सारा फर्क पड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो स्मगलिंग का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक रुका नहीं है। जो इलीगल माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, इसे और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। इलीगल ट्रेड जो होता है दुबई से होता है या और जगह पे होता है, तो वहां पे और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। जब तक सवाल है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का, खास तो जहां पे क्रीक्स है, सर क्रीक एरिया का सिक्योरिटी और इम्प्रूव होने की जरूरत है। जो पाक बे की सिक्योरिटी है वो और इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है। जो खास तो जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पे ये पेट्रोलिंग वगैरह तो होती है, लेकिन वहां पे कोई इलीगल माइग्रेंट ये पकड़ा नहीं गया है। तो बात यह है कि अगर आप पेट्रोलिंग करते हैं, इतनी सारी त्रिस्तरीय आपके पास रचना है, तो आप इसे क्यों नहीं रोक सकते। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो कोस्टल ईस्टर्न कोस्ट लाइन के ऊपर जो स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल, आंध्र, ओडिशा वगैरह, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि उनकी जो कोस्टल एरियाज है, दे आर फ्लडेड विथ इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन। ये नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो इसे रोकना ही इम्पोर्टेंट काम है, जिसमें जिसके लिए हमारे जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए कोस्ट गार्ड को भी अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी, नेवी को भी करनी पड़ेगी, कोस्टल पुलिस को भी करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल एजेंसी जो है उनकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो एक बहुत ही हमारा कमजोरी है, जिसे और ओवरकम करने की जरूरत है। मैंने एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो कोस्ट गार्ड के पास है इसके बारे में बात की, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है उसके बारे में बात की, फास्ट पेट्रोल वेसल्स है उसके बारे में बात की, जो और जो क्वेश्चन वेसल्स वगैरह जो है इसके बारे में मैंने बात की, जो उनके एयर एसेट्स है, खासतौर डोर्नियर्स है, चेतक है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स है, मैंने उसके बारे में बात की हुई है। तो एसेट्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। इनफैक्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड की अगर आप तुलना करें तो सबसे अच्छे, सबसे मॉडर्न जो एसेट्स है वो कोस्ट गार्ड के पास है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन सागरी सुरक्षा जिस तरीके से और सिक्योर करने की जरूरत है, उतनी शायद अभी तक सिक्योर नहीं हुई है। तो और क्या करना चाहिए, मैं कुछ समय की कमी के कारण मैं केवल 3-4 बड़े मुद्दों के ऊपर बातचीत करूंगा। नंबर एक, इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इंटेलिजेंस हर एक कोस्टल एजेंसी को ठीक करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग कोस्ट गार्ड, क्योंकि बिना इंटेलिजेंस का केवल पेट्रोलिंग करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा जो मेन चीज है वो है कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कोस्ट गार्ड के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसके सिवाय 4 ज्वाइंट ऑपरेशनल सेंटर्स यानी कि कंबाइंड हेडक्वार्टर तैयार हुए हैं। ये एक हेडक्वार्टर मुंबई में है, जहां पे जो भी चीज कोस्टलाइन के ऊपर होती है उसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। ये नेवी के अंडर है, इसमें नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस सबके नुमाइंदे प्रेजेंट होते हैं, तो वो अच्छा है। एक है जिसको मैंने बोला मुंबई के अंदर है। दूसरा जो जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर है वो कोची यानी कि केरला के अंदर है। तीसरा जो है वो विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैग के अंदर है। और चौथा जो है वो अर्थात पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार के आइलैंड में है, जहां पे अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन होता है। यहां पे ये भी बोलने की जरूरत है कि अभी हमारे कोस्ट लाइन के अंदर कोस्टल सिक्योरिटी फेज 1 फेज 2 के अंदर रडार्स अच्छी तरह से लगाए हुए हैं। तो ये रडार से हम तकरीबन 20-25 किलोमीटर तक जो शिप्स है उन्हें देख सकते हैं। रडार्स का आना अच्छा है, लेकिन जो आज सबसे बड़ी कमजोरी है वो है फिशिंग वेसल्स की।
यानी कि आज हमारे समुद्र में माना जाता है 3 से 3.5 लाख फिशिंग वेसल्स है। अभी इस फिशिंग वेसल को हम रडार के ऊपर देख नहीं सकते हैं, क्योंकि जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होती है वो उसके ऊपर नहीं है। उसके ऊपर जो फिशरमैन कम्युनिटी है वो उसे लगाना नहीं चाहते, क्योंकि एक AIS की कीमत 20-25 हजार के आसपास हो सकती है, इसलिए वो नाखुश है। वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने उन्हें वो फ्री में देना चाहिए। तो गवर्नमेंट अभी DRDO के थ्रू कुछ ट्रायल्स अभी चल रही है, खासतौर गुजरात कोस्ट लाइन के ऊपर और पाक बे के पास, जहाँ पे कुछ AIS जो DRDO ने बनाए हुए वो वहां पे उनको जो फिशरमैन को दिए गए हैं, जिससे उनको कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करना ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब तक हर एक फिशिंग वेसल को आप इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी ना दो, तब तक ये काम कभी भी पूरा हो नहीं सकता है। क्योंकि जो आज हमारे चैलेंजेस है वो अनकन्वेंशनल है या अगैर पारंपरिक है। हम यहाँ पे पाकिस्तानी नेवी के साथ लड़ाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, चाइनीज नेवी के साथ लड़ाई करने की बात नहीं कर रहे हैं। अपारंपरिक जो थ्रेट्स है, यानी कि दहशतवादियों का आना, इलीगल ट्रेड होना, स्मगलिंग को किया जाना, पोचिंग करना, इसके सिवाय कुछ गैर कानूनी कृत्य करना, पायरेसी हमारे उस इलाके में आना वगैरह वगैरह, तो इसके लिए आज आपको जो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस है वो और इम्प्रूव करने की जरूरत है, खास तो फिशिंग वेसल्स के बारे में। जब तक हम हर एक फिशिंग वेसल को कंट्रोल ना करें तो ये काम हम ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। तो फिशिंग वेसल को करना है, फिशरीज कंट्रोल सेंटर फिशिंग में एक ही जगह से शुरू करना चाहिए, एक ही जगह पर लैंड होना चाहिए, तो वो एक और चैलेंज है। इसके सिवाय हमारे आज ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के सामने काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, तो इस आइलैंड के ऊपर कुछ इलीगल एक्टिविटी होती है, तो उसे कैसे रोका जाए, ये एक और एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। और कुछ इश्यूज है लॉज के बारे में, कायरो के बारे में। आज हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर या EEZ के अंदर नेवी और कोस्ट गार्ड के पास कायदे की मदद से किसी को भी रोकना, उनको सर्च करने की ताकत या पावर ये होनी चाहिए। जो हमारा कोस्टल सिक्योरिटी वाला जो बिल है वो अभी पेंडिंग है, तो मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो लीगल पावर्स की जरूरत है वो पूरी पावर्स इनको दी जाएगी। इसके सिवाय जो आज मैनपावर जो है कोस्ट गार्ड की, उसमें 20-25% की डेफिशिएंसी है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। इसके सिवाय जो उनकी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट जो अलग तैयार होनी थी वो अभी तक तैयार नहीं हुई है, वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। तो यानी कि जब तक सागरी सुरक्षा का सवाल है, जब तक कोस्ट गार्ड का सवाल है, हमारी इम्प्रूवमेंट तो काफी हो गई है, इम्प्रूवमेंट अभी भी हो रही है, बजट में पैसे आ रहे हैं, लेकिन जिसे हम एक फुल प्रूफ एजेंसी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी बोलते हैं, उसमें ये आने के लिए हमें और काम करना है। यानी कि ग्लास इज मोर देन हाफ फुल, बट वी स्टिल हैव माइल्स टू गो बिफोर वी अचीव अ फुल प्रूफ सिक्योरिटी ऑफ आवर कोस्ट लाइन। तो मैं आशा करता हूँ आगे आने वालों दिनों में जो और चीजें हमने आगे करनी है हमारी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, ये किया जाएगा, जिससे हमारी सिक्योरिटी जो है और ही एनहांस हो जाएगी। तो आज तटरक्षक दल का रेजिंग डे है, तो उनको हम बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि वो इतर सारे एजेंसी के साथ इकट्ठा काम करके, इकट्ठा कोऑर्डिनेशन करके हमारी जो सिक्योरिटी है उसे और ज्यादा मजबूत करेंगे। यहीं पर मैं रुकता हूं। जय हिंद।